हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। एक अच्छा सा थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए होता है, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स, थोड़ा सा पेशेंस, एट लास्ट फॉन्ट्स भी आपको काफी हाई लेवल के चाहिए होते हैं। इन सब के लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लेना, आप लोग जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दो टाइप्स के थंबनेल के बारे में बताने वाला हूँ, दोनों ही काफी ज्यादा अमेजिंग होंगी, जिसमें पहले थंबनेल का नाम है कॉम्प्लिकेटेड और दूसरे का मैंने नाम दिया है सिंपल। हाउ टू मेक अ थंबनेल पर आप जब किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस देखते हो तो ऊपर में तो कॉम्प्लिकेटेड थंबनेल होता है, लेकिन जब आप उस वीडियो को प्ले करोगे तो वो लोग आपको सिंपल सा थंबनेल बनाना सिखा देंगे। रीजन मैं बताता हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता है, तो मैं इस वीडियो को पार्ट टू में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें पहले पार्ट में कॉम्प्लिकेटेड थंबनेल और दूसरे पार्ट में मैं सिंपल थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तीसरा वाला पार्ट खाली है तो उसे ध्यान मत देना। अब एक और डाउट, अगर मैं थंबनेल के बारे में इतनी डिटेल्स दे रहा हूँ तो सबके मन में सवाल आएगा कि कौन सा ऐप मैं यूज करूंगा, तो बेसिकली मैं यूज करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ पिक्सल लैब एप्लीकेशन को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस पहले आप रिजल्ट देख लो कि एंड में हम कुछ इस तरह का थंबनेल देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हमें न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है, 3 डॉट पर जाना है, इमेज साइज पर जाना है, कस्टम पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। साइज एडजस्ट होने के बाद नीचे आपको बीच में आना है, उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट इंपोर्ट करना है। जिस भी थंबनेल का आप बैकग्राउंड लेना चाहते हो, सिंपली उस यूट्यूबर के थंबनेल को आप टेक ओवर करो और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आ जाओ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। लाइक मैं इसका बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली इसको लेकर के आ गया। अभी आपको सिंपली थर्ड वाले सेक्शन में जाना है, कलर पे जाकर के ग्रेडियंट पे जाना है, अभी प्लस वाले आइकन पे जाना है और आपको पहले राइट वाले पे जाकर के आप सिंपली कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर दो कलर टोन है तो पहले कलर टोन को मैं यहाँ से डन करूँगा, उसके बाद यहाँ से ओके, उसके बाद मैं लेफ्ट वाली एरो पर क्लिक करूँगा, फिर से सेम प्रोसेसर को दोहराऊँगा और आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट जो ब्लू है उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर हमारा थंबनेल का बैकग्राउंड बन करके तैयार है, देख सकते हो एज इट इज़ जैसा इसी यूट्यूबर का है वैसा ही है। कुछ बैकग्राउंड के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक थी एक बैकग्राउंड बनाने के लिए। इसके बाद हमें गैलरी में जाना है और हमें एक फ़ोटो इम्पोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से ये वाला फ़ोटो लेकर के आ गया। मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप करूँगा और यहाँ से सिंपली डन कर दूँगा। अभी हमें इसे अपने स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, हम जहाँ भी चाहे इसे मूव करा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। लाइक मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया है अपनी तरह से। इसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली स्ट्रोक वाले सेक्शन में जाना है, स्ट्रोक को इनेबल करके 3 पर रख लेना है। लाइक मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। अभी हमें शैडो वाले सेक्शन में जाना है और शैडो को भी इनेबल कर देना है और इसके ब्लर रेडियस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और सिंपली यहाँ से डन कर देना। अब हमें क्या करना है, इस वाले लेयर को लॉक करना होगा। अब बात आती है टेक्स्ट की, तो हमें सिंपली न्यू टेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक करना है और जो कुछ भी हमें लिखना है अपने टाइटल के ऊपर, अपने थंबनेल के ऊपर, उसे मैं दो पार्ट में लिख दूंगा। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाउ टू वायरल और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने के बाद हमें AB फॉन्ट वाले सेक्शन में आना है और मैं यहाँ पर 3 फॉन्ट्स यूज करने वाला हूँ, तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पॉपिंस ब्लैक इटैलिक यूज करने के बाद कुछ हम इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इसके स्ट्रोक को इनेबल करके यहाँ से हम स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद शेडो में जा करके शेडो को इनेबल करना है, हमें इसके ब्लर रेडियस को फुल करना है और ओपेसिटी को कम कर देना है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें आना है कलर वाले सेक्शन में और हमें एक नियॉन कलर बनाना होगा। पहले तो जिस भी वर्ड पर हमें नियॉन कलर बनाना है सिर्फ उसको हम हाईलाइट रखेंगे और कुछ इस तरह से नियॉन कलर हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़रा अमेजिंग लग रहा है अभी से। आप किसी और के थंबनेल का भी कलर फॉन्ट ये सब यूज़ कर सकते हो बहुत बड़े ही आसानी से। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ से इसे कॉपी करना है और हमें अपना आगे का कीवर्ड लिख लेना है। लाइक मैं यहाँ से लिख देता हूँ यूट्यूब वीडियोस। उसके बाद हमें कुछ अपने स्क्रीन पर इस तरह से एडजस्ट करना है, पहले हमें इसे फिट करना होगा। अब थोड़ा सा हमें इसके कलर को भी चेंज करना होगा, पहले मैं सबको वाइट कर देता हूँ और अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाला यूट्यूब इसको नियॉन कर दूंगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है अभी से, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमें इंपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है और हमें हमारे गैलरी में जाना है। अब हमारा ये वाला PNG आ गया है,
इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको साइड में लगा दूंगा। आप अपने रिलेटेड PNG डाउनलोड कर लेना गूगल से, आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद हमें इसके स्ट्रोक को इनेबल करना है, स्ट्रोक को कम करना है और यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद शैडो वाले सेक्शन में जाना है और शैडो को भी इनेबल करना है। थोड़ा सा इसके ब्लर रेडियस को हमें बढ़ा लेना होगा। ओके, हमारा काम डन हो गया है। अभी मैं सबको लॉक कर देता हूँ ताकि यहाँ से मूव ना कर सके। ओके, हमारा इतना काम डन हो गया है। अभी हमें फिर से इम्पोर्ट वाले सेक्शन में जाना है और उसके बाद मैं यहाँ से गैलरी सेलेक्ट करूँगा और हमें एक PNG को लेकर के आना है। PNG को लाने के बाद अब हमें कलर वाले सेक्शन में जाना है। कलर को इनेबल करके इसको वाइट कर देना है और यहाँ से सिंपली डन कर देना है। अब हमें कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा और इसको टू बैक कर देना होगा ताकि ये एलिमेंट से पीछे चले जाए। अब लाइक मुझे कुछ और भी लिखना है तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। पहले मैं इसको यहाँ से लॉक करूंगा, उसके बाद ओके न्यू टेक्स्ट। अभी मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और जो कुछ भी लिखना रहेगा मैं सिंपली उसे लिख दूंगा। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइक 1 मिनट। ओके, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारे इस फॉन्ट को चेंज करना होगा। फॉन्ट थोड़ा सा आप डिफरेंट रखना। मैं यहाँ पर एंटोन यूज़ करने वाला हूँ। सिंपली इसे यहाँ से ओके कर देना है। कलर वाले सेक्शन में जाना है और इसको ब्लैक कर देना है। अब इसको कुछ हमें इस तरह से एडजस्ट करना होगा। देख सकते हो अभी से काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है हमारा थंबनेल, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग इसको मुश्किल करके रख लेते हो। अब हमें क्या करना है, तो फिर से इम्पोर्ट वाले सेक्शन में जाना है और आपको एक इमोजी इम्पोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको लेकर के आ गया और मैं इसको यहाँ से डन कर दूंगा। अब मैं इसको छोटा करूंगा और देखूंगा कि कहाँ पर रखने पे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जहाँ भी खाली स्पेस रहे आप वहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सही नहीं लग रहा है इतना, तो मैं यहीं पर रख लूँगा। और अब हमें क्या करना है, इसके स्ट्रोक वाले सेक्शन में जाना है। स्ट्रोक में जाओ, इनेबल करो और कलर को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें शेडो वाले सेक्शन में जाना है और शेडो को इनेबल कर लेना है। ओके, हमारा काम यहाँ से डन हो गया है। अब एक लास्ट एंड फाइनल काम, पहले मैं यहाँ से लॉक करूँगा और उसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट वाले सेक्शन में आना है और मेरे थंबनेल में आप एक रिंग देखते होंगे, वो मैं बनाना सिखाता हूँ। सिंपली आपको ओ पर क्लिक करना है, ओके करना है, इसको सेंटर में लेकर के आना है। इसके AB फॉन्ट को आप क्या करो, तो ये पतला वाला आप देख सकते हो, इस वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करो और आप अपने थंबनेल में कहीं कहीं पे इस तरह यूज़ करो। इसके ओपेसिटी को आप 15-16 के आसपास रखो। ओके, यहाँ से इसे फिर से डन करना है, फिर से इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाओ, फिर आप टू बैक पर क्लिक कर दो। आप कहीं कहीं पर इसको यूज़ कर सकते हो, छोटा बड़ा करके यूज़ करना, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है क्योंकि ये मेरे खुद के माइंड की क्रिएटिविटी है। और यहाँ से भी आप टू बैक कर देना ताकि ये थंबनेल के बैकग्राउंड पर जा करके चिपक जाए। अब हमारा काम यहाँ से भी डन हो गया है। अब हमें सिंपली ऊपर सेव वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप भी, मैं पहले सेव एज प्रोजेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप कुछ भी फाइल का नाम डाल देना। अभी सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, कस्टम पर जाकर के अल्ट्रा पे जाना है, उसके बाद सेव कर लेना है। लास्ट में आप फाइनल लुक देख सकते हो किस तरह से ये दिख रहा है। तो बस यार, आज की इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इसी तरह की मोस्ट अवेटेड वीडियोज़ देखते रहो।